वेस्टर्न रेलवे ऑपरेशन जो एक हम लोगों ने इसको डिजास्टर की तरह ट्रीट किया है, वार रूम बना ली है हम लोगों ने, और विपर्जॉय जो टाइफून है, जो साइक्लोन आ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कंटिन्यूसली आईएमडी की साइट से। एक यूएस नेवी की साइट है, जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है उनका, यूएस मिलिट्री का, उसकी साइट से देखा जा रहा है इसकी मूवमेंट सेटेलाइट फोटोग्राफ से। और हमारे हेडक्वार्टर में हमने एक डिजास्टर कंट्रोल रूम बना लिया है, जिसमें कि सभी ब्रांचेस के ऑफिसर्स हैं। तीन मंडल हमारे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इसमें, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर। अभी जो लेटेस्ट 12:30 बजे का रिलीज है सेटेलाइट फोटो के हिसाब से, उसमें एक जखाऊ पोर्ट है, भुज नालिया हमारा सेक्शन है उसके पास, वहाँ पे ये 15 तारीख को सुबह साइक्लोन लैंडफॉल करेगा। पर इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो देवभूमि द्वारका होता हुआ जाएगा और कुछ पोरबंदर को भी टच करेगा। तो हमने अपने एडीआरएम्स को पोरबंदर में स्टेशन कर दिया है, ओखा में स्टेशन कर दिया है, भुज में स्टेशन कर दिया, और गांधीधाम में, तीनों मंडलों के, उनके साथ पूरी टीम है। प्लस आज पोरबंदर एरिया में विंड स्पीड बढ़ गई थी, 40 किलोमीटर के ऊपर जा रही थी, तो आज कुछ गाड़ियों को कैंसिल किया गया है। और कल से बाकी सारी पैसेंजर गाड़ियों के, उस इलाके के यानी जो कोस्टल एरिया में जा रही हैं, उनको हम लोग कैंसिल कर देंगे। फ्रेट ट्रेन हमने लेना बंद कर दिया है, हमारी पालनपुर से आती थी उसको बंद कर दिया। हम लोग वीरम गांव से आगे टूवर्ड्स गांधीधाम भुज अब गाड़ी नहीं भेजेंगे, ऐसे ही सुरेंद्रनगर से पिपावा की तरफ गाड़ी नहीं ले जाएंगे। और जो पोर्ट में जो लोडिंग हो चुकी है उसको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जा रहा है। प्लस पोर्ट से हमने रिक्वेस्ट की है, पिपावा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, बेदी पोर्ट, इन सबसे नवलखी पोर्ट की वो लोडिंग ना करें, सस्पेंड कर दें जब तक ये साइक्लोन है, क्योंकि अब ये जो विंड वेलोसिटी है ये बढ़ती जा रही है और काफी तेज बारिश भी आएगी। हमारे मेडिकल टीम्स, हमारी आरपीएफ की 3 एक्स्ट्रा बटालियन कंपनियां हमने यहां से भेजी हैं बंबई से, उनको स्टेशन कर दिया है, पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। अपने स्टाफ को भी हमने इसके लिए वार्न कर दिया है, जब ये साइक्लोन हिट करेगा तो उस टाइम तक ट्रेन ऑपरेशन तो बंद रहेगा। प्लस हमने अपने लोगों से उस पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया में उनको घरों में कंक्रीट शेल्टर में कहेंगे, उसके बाद पेट्रोलिंग की जाएगी और फिर गाड़ियों को नॉर्मल लाने की कोशिश की जाएगी। हमने अपने रिलीफ में, क्योंकि वो ज्यादातर एरिया डीजल ऑपरेटेड है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने डीजल लोको रखे हैं, उनके लिए 1 हफ्ते की फ्यूल सप्लाई रखी है। पावर सप्लाई बाधित होने की पूरी संभावना है, तो डीजल जनरेटर सेट्स के लिए भी हमने 1 हफ्ते का फ्यूल रखा। लोगों को भी कहा है कि राशन लेके रखें, क्योंकि रोड नेटवर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे राशन जाएंगे, सब्जियां जाएंगी, ताकि 1 हफ्ते तक हम लोग सस्टेन कर सकें ये सब चीजें। बेसिकली वीरावल जो सोमनाथ के पास है, पोरबंदर और ओखा, द्वारका, गांधीधाम और भुज, इन पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, यही एरिया। और गाड़ियां अभी इस 2-3 दिन में नहीं चलाएंगे, जब ये साइक्लोन हिट कर देगा उसके बाद अगले दिन से जब नॉर्मल होगा तब गाड़ियां शुरू करेंगे। आज तो काफी अचानक करना पड़ा तो उसका अनाउंसमेंट किया गया, पर अब हम प्रेस रिलीज दे रहे हैं आज से जो आगे कल आने वाली होगी, और लोगों को उनके मोबाइल, जो रिजर्व पैसेंजर्स हैं उनके मोबाइल पे जो उन्होंने नंबर दिया उस पर मैसेज दिया जा रहा है। प्लस सबसे अपील भी की जा रही है राज्य सरकार के साथ भी मिलकर और टीवी और प्रेस के माध्यम से कि लोग ना निकलें इस पर, क्योंकि जब साइक्लोन आ रहा है तो इस इलाके में ना जाएं। आज तो 56 गाड़ियां करीब कैंसिल की और आगे वाले दिन में रोज 95 गाड़ियां करीब कैंसिल हो रही हैं। वी आर मॉनिटरिंग दिस साइक्लोन एंड वी हैव सेट अप ए कंट्रोल सेंटर इन आवर हेडक्वार्टर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट रूम नोन एज वॉर रूम, एंड इन द 3 डिविजन्स विच आर अफेक्टेड, भावनगर, राजकोट एंड अहमदाबाद। अहमदाबाद बिकॉज गांधीधाम एंड भुज एरिया इज अंडर कंट्रोल ऑफ अहमदाबाद डिविजन, सो वी हैव ऑल सेट अप कंट्रोल रूम्स देयर, स्पेशल कंट्रोल रूम फॉर मॉनिटरिंग दिस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, एंड सेंट आवर सीनियर ऑफिसर्स एडीआरएम्स ऑफ द डिविजन्स टू पोरबंदर, ओखा, गांधीधाम एंड भुज। प्लस वी हैव स्ट्रेंथन्ड आवर मेडिकल सप्लाईज देयर, डॉक्टर्स हैव बीन पोजीशन देयर, इंडोर पेशेंट्स वी हैव डिस्चार्ज व्हाट एवर इफ दे ऑल दीज लोकेशन, लकली देयर वाज नोबडी हु वाज सो सीरियस दैट ही हैड टू बी केप्ट इनसाइड, एंड वी आर कीपिंग दीज बेड्स फॉर एनीथिंग, एनी मिस हैपनिंग व्हिच हैपर्स इन दैट बिकॉज ऑफ साइक्लोन। वी हैव
यूजिंग डीजल लोकोज इन दीज एरियाज बिकॉज ओएचई सप्लाई विल बी अफेक्टेड प्लस एडिक्वेट फ्यूल फॉर दीज डीजल लोकोज फॉर वन वीक एंड ऑल्सो फ्यूल फॉर आवर डीजी सेट्स हैज बीन केप्ट फॉर वन वीक सो वी होप दैट वील बी सी थ्रू दिस डिजास्टर नॉर्मली Today we are mounting the wind speed. Today the wind speed at Porbandar was crossing 40 kmph. So as a precaution, we had decided that at 60 kmph we will stop the train. So since the speed was increasing, today around 56 trains were cancelled in that area. We have issued notification today for train cancellations on 13th, 14th, and 15th. Around 90 trains will be cancelled. We are giving a press release also through electronic media, that is TV and radio. This will be there. And we'll request passengers not to go towards these areas because we are, the state government and we are evacuating people from that area because in the path of trajectory. So I will request people not to go to that area and let the cyclone pass and hit the land on 15th. And from 16th, let us see what is the damage and how soon we can come back.